गाजर जो है दो चार दिन काफी अच्छी मार्केट थी, लेकिन आज ना कुछ गाजर के बाजार जो है थोड़े डाउन हो चुके। पत्ता गोभी के रेट जो है वो कल से थोड़े अच्छे हैं। तो इसके साथ में यार टमाटर में जो है कल से थोड़े टमाटर के बाजार तेज। हरी मिर्च क्या पोजीशन रही है? हरी मिर्च आज जो है कल से 5-7 रुपए किलो की थोड़ी तेजी है हरी मिर्च में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मिर्च थोड़ी ऊपर जाए 40-50 रुपए तक उनके पैसे बने। सोमवार को फिर से डबल मंडी है, काफी ग्राहकी होती है मंडी में। मुझे लगता है 1-2 रुपए और भी बढ़ सकते हैं प्याज के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी 10 अगस्त 2024। तो दिन जो आज शनिवार है, शनिवार के दिन आपको पता ही है कि 2 दिन की मंडी होती है, क्योंकि कल संडे है, कल मंडी क्लोज रहेगी। तो जितने भी दुकानदार है वो 2 दिन का माल लेके जाते हैं, और मंडी में माल भी बहुत ज्यादा आया होता है और खरीदारी भी काफी होती है। वैसे आज देखने को ऐसा कुछ है भी है मंडी में, कुछ चीजें जो है महंगी है। टमाटर आज महंगा हुआ आज, वीडियो में लास्ट तक रहना मेरे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप रोज हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। तो आज सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको गाजर दिखाता हूँ। गाजर जो है 2-4 दिन काफी अच्छी मार्केट थी, लेकिन आज ना कुछ गाजर के बाजार जो है थोड़े डाउन हो चुके हैं। ये श्रीनगर की गाजर है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर रेट जो थे इसके 2-4 दिन पहले जो है 40-50 रुपए किलो तक चले गए थे, लेकिन आज ये 20 रुपए किलो बिक रही है, 20 से 25 रुपए किलो। क्वालिटी बढ़िया है, सूखी गाजर है। तो इसके साथ में ये जी यहाँ पे ये वाला आलू, पहाड़ी आलू, ये मिक्स है, ग्रेडिंग नहीं है इसमें। तो जो कश्मीर वाला ग्रेडिंग वाला माल है ना वो बिक रहा है यहाँ 28 से 30 रुपए। तो ये जो मिक्स माल है ये 24-25 रुपए किलो बिक रहे हैं। इसके साथ में पत्ता गोभी के रेट जो है वो कल से थोड़े अच्छे हैं। ये क्वालिटी जो है ये बिक रही है 20 से 22 रुपए किलो, और जो हिमाचल वाली पत्ता गोभी है वो 25 से लेकर 30 रुपए किलो का। तो इसके साथ में ना ये कड़म है, कड़म की गाड़ी तो वैसे खाली हो गई है, कड़म के ऐसे ही रेट है कल जैसे, बढ़िया माल 30 रुपए किलो, फिर 25 रुपए, फिर 20 रुपए, लेकिन जो एक नंबर वाली क्वालिटी है वो 30 रुपए किलो बिक रहा है। फूलगोभी की पोजीशन यहाँ 40-42 रुपए किलो से लेके 45 रुपए किलो तक, जैसे ऐसे माल है सुपर क्वालिटी 45 रुपए किलो, 42 रुपए, 40 रुपए, फिर एंड जो है 35 तक होता है। तो वैसे अगर हम पिछले साल के साथ फूलगोभी के रेट को कंपेयर करें तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है इस साल, माल बिक रहे हैं। पहले पहाड़ी सीजन था, सुदमादेव और असर बगर वाली साइड से फूलगोभी आ रही थी, उन किसानों के पैसे बहुत बढ़िया बने। तो अभी हिमाचल वाली चल रही है फूलगोभी, उनके पैसे अच्छे बन रहे हैं। और अभी एक महीने के बाद जो है यहाँ श्रीनगर की फूलगोभी आएगी, वो भी 2-3 महीने का सीजन रहता है और बहुत ही बढ़िया सीजन होता है। आपको पता ही है अगर हमारे कश्मीर से जो भाई देख रहे हैं वहां से 200-250 गाड़ी की लोडिंग है पर डे कश्मीर से फूलगोभी की और पत्ता गोभी की। तो महीने के बाद जो है श्रीनगर की फूलगोभी चलेगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके भी पैसे अच्छे बनेंगे कश्मीर वाले किसानों के। तो इसके साथ में यार टमाटर में जो है कल से थोड़े टमाटर के बाजार तेज है। आप वीडियो में लास्ट तक रहे मेरे साथ। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम खीरा दिखाएंगे आपको, वहां पे गाड़ी लगी है ये 104 नंबर पे, ये इंदौर का खीरा है, कल भी मैंने दिखाया था आपको, वहां चलते हैं। मुझे लगता है थोड़ा मार्केट आई डाउन होगी खीरे की, तो वहां चलते हैं, वहां 104 नंबर पे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं मंडी में। फ्रूट का भी दिखाएंगे आपको। मैं अभी शॉप नंबर 104 ए पे हूँ, तो मेरे साथ ना आई फौजी है, फौजी साहब है खुद ही। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इंदौर वाला खीरा, दिखे क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ये इंदौर से पन्नी में आता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ रीपैकिंग चल रही है, यहाँ लेबर लगी हुई है, इसको पैक करेंगे। अब हम फौजी साहब से जानते हैं कि ये माल कहाँ जा रहा है। फौजी साहब कैसे हो? बढ़िया एकदम। कल आपने गाड़ी स्पीड में खाली कर दी थी, आज शनिवार है, डबल मंडी है, तो आज मुझे लगता है माल यहाँ परचून कम बिका है। परचून कम बिका है, रेट कम है। अच्छा रेट कम है। आज कहाँ से आपने शुरुआत की इसकी और कहाँ तक लास्ट तक एंड हुआ है? मैंने 25 से शुरुआत किया, कल 30 बेच रहे थे, आज 25 रुपए, 5 रुपए कम हुआ है। तो अभी क्या भाव बिक रहा है? अभी 20। तो 20 में ग्राहक नहीं है आज, माल ज्यादा आया मंडी में? माल ज्यादा, खीरा बहुत ज्यादा। अच्छा ज्यादा आए, गाड़ियाँ और भी आई है मंडी में, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। अभी इसको आप क्रेट में पैकिंग कर रहे हो, तो ये माल कहाँ जा रहा है? ये श्रीनगर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गाड़ी है ये क्रेट में पैक होके श्रीनगर जा रही है, क्योंकि वहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा है और टूरिस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है कश्मीर में, वहाँ मुझे लगता है खीरे की अच्छी डिमांड है। और अभी ये फौजी साहब का माल जो है कश्मीर जा रहा है और इनके अच्छे पैसे बनेंगे वहाँ पे। तो फौजी साहब और क्या आया था खीरे के अलावा अपने पास? मिर्च आई थी, हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या पोजीशन रही है? हरी मिर्च जो देसी वाली आई थी और 20 बिकी है, 20 रुपए किलो की आज। पहले से मुझे लगता है बाजार अच्छे हैं हरी मिर्च के, तो हरी मिर्च वाले किसानों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि हमारे पहाड़ से बहुत सारे फोन आ रहे थे कि हरी मिर्च के बाजार कब तेज होंगे। तो आज जो है कल से 5-7 रुपए किलो की थोड़ी तेजी है हरी मिर्च में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मिर्च थोड़ी ऊपर जाए 40-50 रुपए तक उनके पैसे बने। तो फौजी साहब अपनी फर्म का नाम आप बता दें मुझे। हमारी फर्म श्री राम ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर 104 ए। मोबाइल नंबर भी दे दें, 9596863249।
मैं अभी शॉप नंबर 115-16 पे हूँ। फर्म का नाम है जगदीश रायण संघ। तो साथ में ही रॉकी एंड ब्रदर्स इकट्ठी गाड़ियाँ लगी होती हैं इनकी। तो आज ना सबसे पहले हम आपको यहाँ पे प्याज दिखाएंगे। ये सुपर क्वालिटी वाला प्याज, एक नंबर वाला, नासिक वाला। तो इसकी पोजीशन थी कल हमने आपको बताई थी 35-36 रुपए, लेकिन आज इसके बाजार जो है वो 40 रुपए किलो है। आज इसका रेट जो है बढ़ चुका है, 40 रुपए किलो हो गया है जम्मू की सब्जी मंडी में प्याज। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सोमवार को फिर से डबल मंडी या काफी ग्राहकी होती है मंडी में। मुझे लगता है 1-2 रुपए और भी बढ़ सकते हैं प्याज के। इसके साथ में ये लाल वाला आलू, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, 50 किलो का पैकेट होता है, ग्रेडिंग वाला माल होता है लाल वाला आलू, LR कहते हैं ऐसे। तो इसका बाजार है 1150 रुपए 50 kg। ये आ गया दूसरा मेरठ वाला आलू, यूपी वाला, इसका नाम यहाँ चलता है संबल। तो संबल की मार्केट है जी यहाँ 1200 रुपए 50 किलो का पैकेट। बाकी मैंने आपको दूसरा वो दिखाया जो पहाड़ी आलू आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। वैसे ग्रेडिंग तो उसमें नहीं होती है, लेकिन मार्केट उसकी 28 से लेकर 30 रुपए किलो, जो एक नंबर वाले माल है। तो अभी हम चलते हैं टमाटर वाली गाड़ियाँ, देखते हैं कि टमाटर वाली गाड़ियाँ कितनी है और पहाड़ी टमाटर है वो क्या भाव है। मैं अभी शॉप नंबर 2 पे हूँ, सुशील कोहली एंड संस, अतुल भाई की दुकान पे। तो मेरे साथ ना यहाँ पे आज गुलफार भाई है। इनके पास जो है कश्मीर से अभी एप्पल आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है इनकी दुकान पे, 10-15 गाड़ियां लगी होती हैं। तो यहाँ पे हम आपको रेट दिखाएंगे कि कश्मीर से जो अभी बल्गेरिया आ रहा है, आज हमको क्वालिटी दिखाएंगे हम आपको, बहुत ही सुपर क्वालिटी है। बल्गेरिया पे मान लो आप 70% कलर है, इसका रेट जानते हैं और गोशे का रेट जानते हैं। क्या गुलफकार भाई क्या पोजीशन है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है एक नंबर वाला, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी, वो बिका कोई 32 और 35 के बीच, 32 से 35 रुपए। तो मेरे हिसाब से अगर ये 10 दिन पहले ऐसा कलर आता तो 50 रुपए किलो से बिकता, 50 से ऊपर ही बिकता। तो अभी मार्केट थोड़ी इसकी डाउन ही है मान लो, आज थोड़ी सी मार्केट डाउन है, आज डाउन है, आज इसका रीजन क्या है? आज माल ज्यादा और ग्राहक कम है, 15 अगस्त की वजह से रेडी। अच्छा, रेडियां वगैरह जो है वो बंद रहती है, क्योंकि फ्रूट का और सब्जी का जितना भी कारोबार है मेरे हिसाब से 80% रेडी पे है, रेडी पे, रेडी पे। थोड़े बहुत जो दुकानदार है वो आ रहे हैं, वो भी दुकानदार आ रहे हैं। सही है, ये 30 से लेकर 35 रुपए का जो बढ़िया क्वालिटी का माल। इसके साथ में गोशा आपके पास है, तो थोड़ा मुझे क्वालिटी के हिसाब से जो एक नंबर वाली क्वालिटी, जो एक नंबर गोशा है वो बिका 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, हाँ ये बिका 28-30 रुपए किलो, ये 28-30 रुपए। मान लो गोशा भी आज थोड़ा बाजार, और थोड़ा सा और है ये वाला छोटा, ये तो चलो गोल, ये 18-20 रुपए किलो, 18-20 रुपए किलो बिक जाता है वैसे ये भी, हाँ वहाँ सब बिक जाते हैं दुकानदार। सही है जुल्मकार, अपनी फर्म का नाम आप बता दें। ये सुशील कोहली एंड संस, शॉप नंबर 2 और 121। तो बाबू का मोबाइल नंबर भी दे दें, 9491-0-37-4। थैंक यू। मैं अभी शॉप नंबर 13 पे हूँ, वैसे दुकान के अंदर, बाहर आप देख सकते हैं आज टमाटर की मार्केट जो है तेज थी और इसलिए माल शाल अभी बिक चुके हैं। वैसे शनिवार भी डबल मंडी होती है। संजय भाई है मेरे साथ, सर कैसे हो? बढ़िया। आज वैसे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट है आपके चेहरे में। तो सर मुझे लगता है कि आज टमाटर में थोड़ी बहुत तेजी थी, तो कहाँ से शुरुआत करी है पेटी? कहाँ से शुरू किया था हमने? कल वाला भाव। अच्छा, कल वाला भाव। आपने वैसे सबर बहुत किया था, कल माल बचा के रखा हुआ था, अच्छा वो बेच दिया था। तो आज सुबह 500 से शुरुआत हुई है, 700 मिनट हुआ है। तो माल हो गया ना, हमारे माल थोड़े नॉर्मल है। तो आज मुझे लगता है क्रेट वाला माल जो थोड़ा महंगा बिका है, सुबह 900 भी कर रहा था जी, बाद में 1200-1300 उसके बाद थोड़े बाजार जो है टाइट रहे। ऐसे ही है। तो शिमला क्या बिकी है? शिमला 40-35 रुपए किलो। और करेला आ रहा है सफेद वाला? 40। बीन क्या बिकी है? पहाड़ी बीन तेज हो गई, 70 रुपए बीन की तेजी हो गई। जो सुपर क्वालिटी की बीन है उसकी शॉर्टेज अभी मंडी में है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में रहेगी। हमारे पास अभी पड़ी है। अच्छा, हल्की है तो कोई भाव नहीं है, बरसात का मौसम है, काला रंग हो गया बीन्स का, उसको कोई नहीं लेगा। सही है। और क्या आ रहा? फूलगोभी आई थी बाहर से, फूलगोभी आई थी, वो क्या भाव बिकी है? 25-30 रुपए। सही है। अपनी फर्म का नाम दे दें आप। शॉप नंबर 13, मोबाइल नंबर 9491-1413-78। मैं अभी शॉप नंबर 79 पे हूँ। तो मेरे साथ आए ना जम्मू मंडी के एसोसिएशन के मीडिया सेक्रेटरी अशोक कुमार शर्मा जी हैं, इनका आर्ट का काम भी है 79 पे। तो इनसे जानते हैं, आज मंडी में डबल मंडी है, शनिवार है। सर कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। शनिवार है, डबल मंडी है, तो वैसे कुछ चीजों में आज ऐसा है कि डबल मंडी है। टमाटर में थोड़ा बहुत आज लाल भी है और थोड़ी बहुत रंग भी दिखाया है। माल कम था ना, जो गाड़ियां, एक दो गाड़ी बंगलोर की थी वो लेट हो गई, लेट हो गई, लेट की वजह से खाली एक गाड़ी होगी, थोड़ी तेजी मार्केट में आएगी। सही है। वैसे खतरा भी रहता है कौन सी गाड़ी रास्ते में होगी, कब मंडी में एंट्री हो जाएगी, उसके बाद जो है गाड़ी का टाइम था सुबह 6 बजे पहुँचने का, वो रास्ते की कोई खराबी भी आ सकती है। हाँ, थोड़ा रोड का काम भी लगा हुआ, वहाँ भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ। तो 100-200 का उछाल था थोड़ा टमाटर में आज, बाद में आया है बाद में, वो मान लो जो थोड़ा बहुत बचा कुचा माल होगा तो उसमें। बाकी माल की
ये इस माल की गारंटी भी है भाई। हाँ सही बात है, जो पहाड़ी माल है वो उसकी गारंटी। पहाड़ी क्या बिका है, क्रेट क्या बिका है पहाड़ी? जो बाई का माल है वो बिका 400-500 रुपए। वो तो अब माल भी हल्के है ना। हाँ, तो जो दूसरा है वो 700-800। 700-800 फिर भी अच्छा है, कल से तो अच्छा है मार्केट। अच्छा, कल 550 बिका। अभी मंडी में एक चीज है, बरसात का मौसम है, आज की डेट में अगर माल क्लियर हो जाए, बिक जाए, तो वो भी मान लो एक अच्छा होता है कि सौदा बिक गया। तो वैसे आज टमाटर में जो है पहाड़ी जो भी आया था वो बिक गया, इज्जत के साथ बिक गया। सही है, तो इसके साथ में ही आज खीरे का मुझे लगता है मार्केट खुल डाउन। खीरा बिल्कुल डाउन है सर, खीरा मंदा है। 15 से लेकर 20 रुपए किलो तक बाहर वाला खीरा बढ़िया एक जी। बाकी और क्या कह रहा था मेरे को बताया, धनिया आया था उधर से, धनिया जो बढ़िया धनिया है 100 रुपए किलो बिक गया, बीन्स बिक गई 60-65 रुपए किलो, बीन 60-65 रुपए, सुपर वाली क्वालिटी, सुपर वाली। बीन वैसे अभी कश्मीर वाली तो है नहीं, तो हिमाचल से आ रही है, यहाँ हिमाचल से गंदा आ रही है, वो है नहीं, वो हल्का माल है। शाल भी खाली टमाटर का आया है, बाकी और किसी का नहीं है। हाँ, बाकी तो वैसे बैलेंस ही थे, बाकी माल जो थे कल जैसा ही रेट था जो। तो ये बैंगलोर क्या बिका है? बंगलोर बिका सुबह बिका 950-900, अभी बिका 1000 रुपए। अच्छा, अभी 1000 रुपए बिका है, मान लो यही है कल जैसा ही है, कोई ज्यादा 150 रुपए का थोड़ा बहुत है। 150। तो फ्रूट में आ रहा है अपने पास कुछ? फ्रूट गोशा आ रहा है 15 रुपए किलो बेचा है, पहाड़ी गोशा। पहाड़ी क्योंकि अभी कश्मीर वाला जो आ रहा है वो बिकने नहीं देगा, ना वो नहीं बिकने देगा, कम बिकने देगा। सही है, तो मुझे अपनी फर्म का नाम भी आप दे रहे हैं। शो कुमार राजस्थान से, शॉप नंबर 94191-45305। आज के लिए इतना ही, आप कौन सी सब्जियों के रेट जानना चाहते हैं और कौन से फ्रूट के रेट जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं वही रेट आपको, सोमवार को मंडी खुलेगी वही रेट आपको बताएंगे। मिलते हैं सोमवार को एक और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।